नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर कॉलम का सरिया वर्टिकल 8 पीस हो तो उस समय उसका रिंग का पैटर्न क्या होगा, और इस रिंग को पैटर्न को लेकर के ना जाने बहुत सारे लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के जरिए जो है हम आपको उसका रिंग का पैटर्न बताएंगे कि सही तरीका क्या है, बहुत लोग और गलती क्या करते हैं वो भी बताएंगे, और सही तरीका क्या है पिलर का रिंग देने का वो सारा चीज़ क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या है कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा और आप जो है घर बना रहे हैं तो निश्चिंत रहेंगे। हाँ, अगर 6 सरिया देंगे तब किस तरह के रिंग देंगे वो भी बता देंगे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। तो अब आपको ज़रा ध्यान से देखिएगा तो आप पूरा क्लियर हो जाएंगे कि भाई कि हमें किस हिसाब से चलना है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये टोटल जो है आपका पिलर का वर्टिकल रेनफोर्समेंट सरिया टोटल कितना पीस है, 8 पीस है। चारों साइड से 4 पीस 16 mm का है और बीच में जो है 12 mm का 2 पीस है, मतलब 8 पीस का कोई भी तरह का। अब इसमें रिंग का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से रिंग देंगे, तो चलते हैं और देखते हैं इस रिंग को देने का तरीका कैसे टाई करना होगा। ध्यान दीजिएगा, और लोग मिस्टेक क्या करते हैं हम वो भी बताएंगे। देखिए यहाँ पे रिंग जो दिया गया है कि पहला है कि एक मास्टर रिंग जरूर दिया गया है, ध्यान रखना चाहिए मास्टर रिंग जो है चारों सरिया को पकड़ने के लिए मास्टर रिंग जरूर दिया गया। फिर बीच का जो है 12 mm का सरिया है उसको भी पकड़ने के लिए जो है एक रिंग दिया गया, 2 रिंग यहाँ पर। और इसमें कुछ लोग मैंने बहुत सारे साइट में देखा है जो मिस्टेक कर रहे हैं लोग, जैसे कि अगर आप इस यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है। मान लिया जाए कि ये हम थोड़ा सा ये बना देते हैं, एक सरिया ये टोटल कितना 16 mm का सरिया चारों कॉर्नर के पास, ठीक है, बीच में 12 का 2 पीस। अभी हम रिंग का पैटर्न हम देंगे, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो पहला रिंग जो है ये मास्टर रिंग जिसको बोलते हैं, ये चारों 8 सरिया को पकड़ के जो है कुछ इस तरीके से रहेगा, याद रहना चाहिए। ये भी यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं, ये जो हुक को ले करके, हम उसको लेकर भी बताएंगे। और एक और सरिया जो देना है वो ये देना है कुछ इस तरीके से, ऐसे आएगा, सॉरी रिंग देना है कुछ इस तरीके से, ये तरीका से। नहीं तो इसमें बहुत लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जरा देखिए मिस्टेक क्या करते हैं हम वो बता रहे हैं। क्या करेंगे वो, जैसे 16 mm का सरिया हम दूसरा बना रहे हैं, चारों कोना में 16 mm का सरिया, ये 12 mm का, ये 12 mm का, मिस्टेक क्या करते हैं, मास्टरिंग वो तो देंगे ही नहीं। पहला मिस्टेक क्या करेंगे कि भाई रिंग को जो है एक रिंग ऐसे दे देंगे, सॉरी एक रिंग ऐसे दे देंगे यहाँ से, ठीक है, और दूसरा वाला जो है कुछ यहाँ से ये वाला से ले करके ऐसे करके दे देंगे, दो अलग अलग, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कृपया करके इस तरह का गलती बिल्कुल ना करें। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मास्टरिंग हुआ ही नहीं, मतलब कि इसको पकड़ने के लिए जो है 1, 2, 3, 4 के लिए इस तरीके से दे दिया, अब फिर जो है दूसरा जो है कुछ इस तरीके से दे दिया, ये गलत तरीका है। और सही तरीका क्या है कि पहले मास्टरिंग देना है, फिर इसके बीच में जो है 4 सरिया को पकड़ने के लिए कुछ इस तरीके देना, ये पूरा सही तरीका। यहाँ पे मास्टरिंग हुआ ही नहीं, दोनों अलग अलग हो गया, मतलब ये कि यहाँ से इधर अलग, यहाँ से इधर अलग, लोग ऐसे गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर देखिए जहाँ जो पैटर्न है, और एक और चीज़ मैं कहता हूँ कि हुक को लेकर के, हुक को लेकर के आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जानकारी लेना है कि हुक कभी भी जो है, हुक बैंड जो है 90 डिग्री में बैंड नहीं होना चाहिए, ये आपका जब भी रहेगा वो 135 डिग्री में बैंड रहेगा। आप बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, चलते हैं इसके ऊपर भी हम आपको दिखाते हैं कि भाई कि बैंड को लेकर के, भाई कि बैंड क्यों हम क्यों बता रहे हैं कि भाई कि बैंड यहाँ देखिए, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे ये पूरी तरीके से इसको जो है सरिया को पकड़ के रखेगा, यहाँ भी देखिए ये जहाँ पे हुक जो है ख़त्म हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे
तो बहुत लोग क्या करते हैं कि बस जो है अगर ऐसे ही जो है जैसे यहाँ देखेंगे हम, बहुत लोग क्या करेंगे इसको इधर सरिया लाएंगे, ठीक है ये जो सरिया आ रहा है बस ये जो बैंड है ये बैंड को नहीं करेंगे, ये बैंड जो है क्या करेंगे ये जो 135 डिग्री बैंड है इसको यहीं तक ले जाएंगे और इधर वाला को भी इधर जो घुमावा नहीं इसके सीधा ले जाएंगे, जो कि गलत है। अब यहाँ पे भी मैं आपको बैंड दिखाया, बैंड भाई किस हिसाब से किया गया है। तो आपको जब भी रिंग बनाएंगे वो जो है इसका जहाँ पे ख़त्म हुआ बैंड जो हुक जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, ये हमेशा जो है आपको 135 डिग्री में बैंड करना, ये वाला सरिया जो है इधर ऐसे और ये वाला इधर ऐसे 135 डिग्री में बैंड होना चाहिए, 90 डिग्री में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चाहे ये सरिया मेन चाहे मास्टर रिंग हो चाहे आपका ये जो है सेकेंड वाला जो है ये वाला रिंग हो, ये भी जो है देखिए आप बैंड यहाँ पे है, हुक बना हुआ है 135 डिग्री बैंड, ये बहुत ही जो है ज़रूरी है आप सभी के लिए। जब भी कभी आप जो है अपना घर बनाते हैं तो अब हम आगे चलेंगे तो ज़रा इस वीडियो को देखिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि भाई घर बना किस हिसाब से जो है रिंग का पैटर्न देना है। तो घर बना रहे हैं आप लोग, यही छोटी मोटी चीज़ है जिसको ध्यान में लेकर के आपको चलना है। और 90 डिग्री ये हो गया, हुक को जो है बेंड करना बहुत ज़रूरी है 135 डिग्री में, ये आपको ध्यान में लेकर चलना। यहाँ पर जैसे कि काम हो रहा है और सारा रेन पिलर में कुछ इसी हिसाब से हम लोग दिए हैं, कोई इसमें चेंजिंग नहीं, कुछ मिस्टेक कुछ गलतियाँ जब भी कभी लोग करते हैं तो हम मेरा बस यही प्रयास रहता है कि लोगों तक जो है सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, जिससे क्या है कि अगर वो घर बना रहे हैं तो कोई भी तरह का उसको जो है फ्यूचर में परेशानियाँ ना हो, बस मेरा मकसद यही है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसका बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको आप क्लिक कर दीजिए, उससे बेनिफिट बस होता है जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए आएगा सबसे पहले आप नोटिफिकेशन में देखेगा। और हाँ, आपके जो आप घर बना रहे होंगे या कहीं कस्टमर साइट में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं आप, तो आपके साइट में किस तरह का गलतियाँ हो रही है आप फोटो वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे कीजिए, हमारा व्हाट्सएप डिटेल जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आपको जो है अबाउट टाइम मिल जाएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9523101369। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।